कभी आंखों में अमीर होने का सपना लिए शहर गए गांव के कामगार, अब किसी तरह सपनों का शहर छोड़ गांव वापस आ गए हैं। कभी खुद को मुंबई का बताकर सीना चौड़ा करने वाले यह ग्रामीण अब शहर का सोचकर सहम जाते हैं। यह भोले भाले ग्रामीण सहमे भी क्यों न, जिस शहर को इन्होंने दसियों साल दिए, किसी ने मजदूरी कर वहाँ के विकास में अपना पसीना बहाया तो किसी ने दूसरे काम कर महानगर की अर्थव्यवस्था में एक कड़ी की भूमिका निभाई। उसी महानगर के लोगों ने लॉकडाउन की बंदी में इनसे आंखें फेर ली। ये महाराष्ट्र से लोग आए, करीब कितनी संख्या में होंगे? ये करीब है 1400 संख्या में है। आपने इनकी सभी की थर्मल सभी की स्क्रीनिंग कर ली है? अच्छा, इसमें कोई नहीं, कोई सस्पेक्टेड नहीं है। अच्छा, इनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था तो रेस्टोरेंट के होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है इनको। अच्छा, तो मैं जहाँ से हूँ बाकी सारे तो स्वस्थ पाए गए हैं? जी हाँ, सारे स्वस्थ। अच्छा, बताने के लिए किसी तरह कई दिन का भूख प्यास से भरा सफ़र तय कर वापस लौटे इन ग्रामीणों का कहना है कि गांव की रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन अब कभी दोबारा शहर नहीं जाएंगे। मुंबई से लौट रहे कन्नौज के सलेमपुर गांव के रहने वाले इन कामगारों का दर्द क्राइम 18 न्यूज़ पहले ही दिखा चुका है कि किस तरह जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो अपने गाँव से मदद मांगा या भूसे की तरह ट्रक में भरकर कन्नौज के लिए निकले थे। न इनको इनके मालिकों ने कोई मदद दी और न ही महाराष्ट्र सरकार ने। लॉकडाउन के दौरान मुसीबतें उठाने वाले इन कामगारों के चेहरों पर अभी भी महाराष्ट्र के सौतेलेपन का खौफ नजर आता है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र कल्याण से आए। कल्याण से कहाँ रहने वाले हैं? सलेमपुर। सलेमपुर हाँ, थाना तालीग्राम। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग आए? नौ। हाँ, कितने लोग आए? हम आए 80 62 लोग थे। 62। अच्छा, नाम? नाम हमारा सुगर सिंह। अच्छा अच्छा, और सब लोग यहाँ सारी व्यवस्थाएं किसने की हैं? ये अब हमारे चेयरमैन साहब ने किए हैं। अच्छा अच्छा, दिनेश चंद यादव। और आपका यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग हुई है? वो सब हो गई ना, चेकअप हो गया सब? हाँ, हाँ, सब। अच्छा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अभी दिक्कत तो अब खाने आने घर पे नहीं है, अब कोई व्यवस्था होगा करेगा कोई। अच्छा, वहाँ तुम किस चीज़ का धंधा करते थे? वहाँ आइसक्रीम का काम करने के लिए गए, बंद हो गया था काम फिर। अच्छा, वहाँ लॉकडाउन हो गया? हाँ, लॉकडाउन। वहाँ पे फिर आए कैसे? ट्रक से जगह पे जगह बैठे, बॉर्डर से बैठा ले गए। अच्छा, हाँ। वो पैसे ऐसे का इंतजाम, खाने पीने का कैसे हुआ? वो सब रास्ते में देते रहे सब लोग। अब जैसे गांव में आ गए हो तो यहाँ आके क्या करोगे? अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मजदूरी वजदूरी मिलेगी करेंगे। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। घर आपका कौन सा है? यही घर है। ये घर है आपका? हाँ। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह है? हाँ, राशन कार्ड है। अच्छा, और कोई दिक्कत? दिक्कत क्या आई है, ये राशन आसन अभी नहीं है, अभी आए। अभी खाने के लिए कुछ है? अभी कुछ नहीं। राशन आसन है? नहीं है कुछ भी। प्रधान ने कुछ अभी यहाँ पे राशन आसन? प्रधान ने कहा था, हमने कहा उनसे, गए तो वहाँ भेजा कोटेदार थी, बोले 18 तारीख को बोले मिलने के लिए। तो वहाँ के जीवन कैसे, अभी काम अपना काम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे अब? अब क्या करें, जैसे चल रहे वैसे कर रहे हैं, इधर उधर से मांग गया। प्रधान
तो जैरूसलम के आने की सूचना आपको किसके माध्यम से मिली है? हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे तालाग्राम के बगल में लगा सलेमपुर गांव है, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं और अपने निजी गाड़ी करके किसी तरीके से पैसा घर से खाते मंगा के या जोड़ बीन के सब लोग अपना इकट्ठा करके ये लोग आ रहे हैं और अब 3 दिन से लगातार ये लोग टैक्से चल रहे हैं। ये सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, इनके मैं सुबह से बैठ इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही ये लोग आए, इनका यहाँ पे मेडिकल जांच करा दी गई तालाग्राम CSC पे और जांच करा के अब इनको क्वारंटाइन। क्राइम 80 न्यूज़ के लिए ब्यूरो पवन कुशवाहा के साथ मनोज ठाकुर की खास रिपोर्ट।